गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम करेंगे, कल जो वो आपकी जो लाइव क्लास है वो नहीं लग पाई थी क्योंकि कुछ नेटवर्क का इशू था, तो मैंने बोला था कि आपको जो वो एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें जो वो पूरा जो भी आपका सिलेबस है उसका रिविज़न कराया जाएगा। तो मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम लोग कवर करेंगे। इसको आपने अच्छे से देखना है और हर एक क्वेश्चन के जैसे जो वो आपने दो तीन क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है, तभी जॉब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। कल आपका एग्जाम है तो इसलिए आज आपने मैथ्स का ही रिवीजन करना है। जैसे सबसे पहले है, जैसे हमारा इंटीजर वाला जो टॉपिक है, इंटीजर क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जीरो क्या है, जी ठीक है। तो इंटीजर के बारे में देखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा, इंटीजर क्या होते हैं। देखिए, आपने जो वो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है, होल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे जीरो बीच में आता है, फिर जीरो के इस साइड को जो भी आते हैं वो जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर, फाइव, ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। वैसे ही अगर इस साइड चलें, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा, ये सारे नेगेटिव इंटीजर हुए, ठीक है। इस साइड जो पॉजिटिव इंटीजर, राइट हैंड साइड जीरो के राइट हैंड साइड और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव इंटीजर हुआ, और जीरो भी एक इंटीजर है, इसलिए इस सभी जितने भी नंबर, जीरो, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, इन सभी को जो वो इंटीजर बोला जाएगा। जब जीरो से आगे की ही बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे होल नंबर बोलते हैं इनको, ठीक है। अगर जीरो को छोड़ के वन से आगे चलें तो इनको काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर बोला जाता है, तो इसको आपने ध्यान से याद रखना है। अब देखिए, सबसे छोटा इंटीजर या बड़ा इंटीजर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो अगर बोला जाए कि माइनस थ्री और माइनस टू में जो वो बड़ा इंटीजर कौन है, ठीक है, माइनस थ्री और माइनस टू में, याद रखिए जो माइनस के साथ जितना बड़ा नंबर हो वो उतना ही छोटा होता है, इसलिए जो वो माइनस टू जो वो बड़ा नंबर है और माइनस थ्री जो वो एक छोटा नंबर है। देखिए यहाँ पे जीरो से जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो ये जो हमारे इंटीजर जो वो छोटे होते चलेंगे। अगर हम जीरो से आगे चलेंगे तब तो आपको पता है कि वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये तो बढ़ते चलेंगे। अब बात आती है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए, इंटीजर जितने भी आगे तक बढ़ते जाएंगे, काउंटिंग चलती जाएगी, तो कभी खत्म ही नहीं होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वो प्लस इनफाइनाइट बोल देते हैं। प्लस इन्फिनिटी मतलब कि जो एट वाला सिंबल है, एट को जो वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, एट प्लस का, ठीक है, प्लस एट नहीं बोलेंगे, प्लस का इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये जो वो नॉट डिफाइन है, कि अनगिनत है, ठीक है, काउंटिंग नहीं की जा सकती यहाँ पे। अगर बोले कि तो यहाँ पे जो वो माइनस, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माइनस थ्री और माइनस टू में कौन सा बड़ा है, जीरो से छोटे कौन कौन से। जैसे आपको पूछा जाए कि यहाँ पे एक साइड जो वो माइनस 37 लिखा है और एक लिखा है जीरो, बीच में जो बॉक्स है आप लगाइए लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो 37 जो वो आपको पता है छोटा है, तो छोटे की तरफ ऐसे जो वो सिंबल यूज करेंगे। तो ये इंटीजर के बारे में आपको सब कुछ जो पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको पूछा गया है कि -16, ठीक है, -16 इज स्मॉलर, -16 इज स्मॉलर देन -18, ठीक है। तो आपको जो ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं इस टाइप का, कि -16 जो वो छोटा है -18 से, ठीक है, जबकि -16 जो वो बड़ा है -18 से, इसका मतलब है ये जो वो फॉल्स। तो ऐसे भी आपने जो वो सभी अच्छे से, पहले तो स्टेटमेंट जो भी दी गई है उसको जो वो अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही आंसर देना है, ठीक है। तो ये है ये कि हमने इंटीजर की बात, आपको जो वो इंटीजर के बारे में जैसे नंबर लाइन पूछी जा सके, नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए। जैसे मान लो -3 है, तो -3 को जो वो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो -3 जो वो आपको पता है कि जीरो के जो वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 होगा, आप -1 बनाइए, फिर -2 बनाइए, फिर यहाँ पे -3 बनाइए, और यहाँ पे जो वो कुछ और, जैसे मैं रेड का यूज़ कर रहा हूँ, रेड, तो यहाँ पे ऐसे जो वो एरर लगाई कि ए जो वो हमने -3 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ऐसे जो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको आ गया 8 प्लस का 8, ठीक है, ध्यान रखिए जब मैं 8 के साथ कुछ भी नहीं यूज करता हूँ सिंबल प्लस माइनस का, तो यहाँ पे प्लस ही होगा। जैसे मैं बोलता हूँ 8 को यूज करिए, तो ऐसे यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है कि माइनस होगा प्लस होगा, प्लस ही होगा, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ प्लस ही है उसके साथ, ठीक है। तो 8 या प्लस 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे ऐसे एरो लगाएं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी काउंटिंग लिख दें, 1, 2, 3, ठीक है, प्लस वाली, ठीक है। तो ऐसे जो वो नंबर लाइन आपको जो वो ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये इंटीजर के बारे में था, अब बात करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे इंटीजर के बारे में आपको ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि जितने भी -6 है, ठीक है, जैसे -6 है, तो आपको बोला जाए कि राइट 5 नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं लेस देन,
ठीक है, लेस देन माइनस सिक्स, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या आपको बन सकता है कि राइट फोर नेगेटिव इंटीजर लेस देन टू, ठीक है, तो जैसे माइनस सिक्स है तो माइनस फाइव होगा इससे छोटा, ठीक है, लेस देन बोला है तो माइनस फाइव, फिर माइनस फोर होगा, फिर माइनस थ्री होगा, फिर माइनस टू होगा, तो ये जो वो फोर नेगेटिव इंटीजर हुआ माइनस सिक्स से छोटे, ठीक है, आपको जैसा है कि टू से छोटे, लेस देन टू, ठीक है, फोर नेगेटिव इंटीजर बताइए लेस देन टू, तो टू से कम चलिए, जैसे नंबर लाइन भी आप शो कर सकते हो, वहाँ पे नंबर लाइन भी शो कर सकते हो, ठीक है, जैसे नंबर लाइन पर आपने जो वो यहाँ जैसे टू होगा प्लस का टू, ठीक है, यहाँ जैसे जीरो होगी, यहाँ जैसे वन होगा, इससे छोटे, छोटे मतलब आपने देखिए जब भी स्मॉलेस्ट बोला जाए तो आपने जो वो लेफ्ट साइड की तरफ चलना है, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड की तरफ, अगर ग्रेटेस्ट बोले मतलब कि उससे बड़े, तो जैसे टू से अगर बड़ा पूछा होता तो राइट हैंड साइड चलते हैं, अब छोटा पूछा है तो टू से हमने जो वो कहाँ चलना है लेफ्ट हैंड साइड चलना है, तो वन हो गया, जीरो हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस थ्री, जितने मर्जी पूछा हो उतने जो वो आप शो कर सकते हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो वो बन सकता है। इंटीजर के बारे में आपको ये सभी बातें जो वो पता होनी चाहिए, जितनी भी इंटीजर से रिलेटेड जो वो वीडियो बनाई है वो जो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको पूछा गया कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज प्लस का 100, तो आप सोचोगे कि क्या प्लस का 100 हो सकता है, जबकि मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं है इसमें, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं बोला जा सकता, आप जो प्लस का इन्फिनिटी और माइनस की इन्फिनिटी का यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इन्फिनाइट सिंबल का जो यूज आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो आपको जो है ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस का 100, नो फॉल्स है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो जो भी वीडियो जो वो इंटीजर से रिलेटेड बनी हुई है उनको आप एक बार फिर से जो वो जा करके देख सकते हैं। जैसे और बात करते हैं, जैसे हमारे पास नंबर जैसे आपको जो वो मैं बता दूं कि MCQs नहीं आएंगे, ठीक है, MCQs नहीं डाले हैं, ट्रू फॉल्स हैं और कुछ अलग से क्वेश्चन बताए गए हैं। जैसे एक हमने पढ़ा था टॉपिक कि ओपन कर्व क्या होते हैं, क्लोज कर्व क्या होते हैं, जैसे मान लो ये है हमारे पास एक कर्व, ठीक है, तो इस कर्व में देखिए ओपन होगा कि क्लोज होगा, तो ये तो ओपन है, ठीक है, ये तो ओपन है, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे जाया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है, जैसे इसको देखिए ये जो वो क्लोज्ड है, क्योंकि सभी साइड से देखिए इसकी बाउंड्री जो वो मतलब कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो वो मिले हुए हैं, लेकिन जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट नहीं मिला है वो जो वो ओपन होगा, जैसे यहाँ से चला था मैं तो इसका जो फाइनल है वो यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में मिल जाए तभी जो वो ये क्लोज होगा, ठीक है, अदरवाइज ये ओपन होगा। जैसे मान लो आपको पूछा गया कि एम ये क्या है, ये तो ओपन है दिख रहा है, ठीक है, जैसे आपको पूछा गया एन तो ये भी ओपन है, ठीक है, जैसे आपको पूछा गया एल ये भी ओपन है, तो ऐसे आपने जो वो ओपन और क्लोज की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको एंगल के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा, एंगल देखिए तीन टाइप के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल एक होता है, एक्यूट एंगल एक होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, मैं यहाँ पे ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, आपने सुनने पे ध्यान देना है। जैसे एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 और 90 के बीच में हो, 0 और 90 के बिल्कुल बीचों बीच जो भी एंगल होंगे, ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिल्कुल बीचों बीच होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट से पता चल रहा है कि एक्यूट का मतलब ही होता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल एंगल मतलब कि 0 से स्टार्ट करना है और 90 के पीछे, 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, याद रखिए 90 डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, तो यहाँ पे जो वो 0 और 90 के बीच में कौन कौन से, जैसे 80 आ गया ये भी एक्यूट एंगल है, जैसे 45 आ गया वो भी एक्यूट एंगल है, जैसे 60 डिग्री आ गया वो भी एक्यूट एंगल है, 1 डिग्री एक्यूट एंगल, ये सारे एक्यूट एंगल होंगे। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, अब देखिए 90 डिग्री को तो बोल दिया हमने कि ये जो वो राइट एंगल है, 90 डिग्री के बोल दिया राइट एंगल है, अब 90 से बड़े होंगे वो होंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, तो 90 से बड़े 91 डिग्री आ गया, ध्यान रखिए 180 से छोटे होने चाहिए, तो 179 क्या हो गया ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ठीक है, तो 91 और 179, ठीक है, तो इन या तो ये हो या तो इनसे इनके बीच में हो, ठीक है, ये सारे ही क्या होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जैसे पूछा जाए 161 क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, तो ऐसे जल्दी से जो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑब्ट्यूस है एक्यूट है, ठीक है, अब 180 डिग्री को क्या बोल दिया हमने स्ट्रेट एंगल बोल दिया, ठीक है, 180 डिग्री को क्या बोल दिया स्ट्रेट एंगल, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल जो वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे इस साइड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, तो इसका मतलब है 180 डिग्री कौन सा एंगल होगा स्ट्रेट एंगल। अब 180 डिग्री से जो भी बड़े होंगे ग्रेटर देन 180 डिग्री जो भी जैसे 181 191 जैसे 1 जैसे 270 तो ये सारे एंगल इससे बड़े जो वो कितने क्या होंगे वो होंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, वो कौन से एंगल होंगे रिफ्लेक्स एंगल होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पूछा गया कि द मेजर ऑफ
ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बता रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल जो वो कैसे होते हैं। तो आपको बोला जाए कि लेस देन 90 डिग्री, तो गलत बात है, लेस देन 90 तो एक्यूट एंगल होते हैं। तो ऐसे जो वो ट्रू फॉल्स आपको बन सकता है। जैसे पूछा जाए कि एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होती है वो कैसे होती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, तो ग्रेटर देन 90 नहीं होती है, वो तो ऑब्ट्यूस एंगल होती है, ठीक है। तो ऐसे जो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपको जो वो लाइन सेगमेंट के बारे में पता है, लाइन के बारे में पता है, एक पॉइंट के बारे में पता है, देखिए पॉइंट ऐसे होता है, ठीक है, जब जैसे इसको जो वो कैपिटल लेटर से जो वो डिनोट करते हैं, जब वो दो पॉइंट आ गए हमारे पास और इनको मिला दिया जाए तो वो लाइन सेगमेंट बन जाता है। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट हो जाते हैं, जैसे ए और बी, यहाँ पे जो वो दो एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का मतलब ये है कि इससे आगे नहीं जा रहा है, इससे इस साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं जा रहा है। लाइन का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइन का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जैसे मैं ऐसे बना रहा हूँ तो ए जो वो लाइन नहीं है, ए कर्व है, ठीक है। लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लाइन सेगमेंट भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जैसे आपको जो पूछा जा सकता है कि जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर मैं कितनी लाइन जो वो बना सकता हूँ, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो देखिए एक पॉइंट से जो वो मैं कितने, मतलब हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट, ठीक है, वन पॉइंट दिया, जैसे ए दिया है वन पॉइंट, तो इससे मैं कितनी लाइन जो वो पास कर सकता हूँ। तो जैसे एक लाइन पास की मैंने, एक और कर दी, एक और कर दी, जितनी मर्जी कर दो, ठीक है, जितनी मर्जी कर दो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है अनगिनत, मतलब कि जिसकी कोई गिनती ही ना हो, ठीक है। तो ऐसे जो वो आपको क्वेश्चन, हाँ एक पेर इंटरेस्टिंग और पॉइंट है, जैसे टू पॉइंट है हमारे पास, हाँ टू पॉइंट से होकर जो वो आप कितनी, जैसे आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, तो दो पॉइंट से जो वो कितनी लाइन जो वो पास कर सकती है। तो देखिए इसको ऐसे, लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ऐसे तो नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे गई ऐसे, फिर दूसरी लाइन ऐसे ऐसे, नहीं नो ऐसे नहीं हो सकता। तो दो फिक्स पॉइंट में जो वो आप सिर्फ एक ही लाइन जो वो पास कर सकते हो, ठीक है, एक ही लाइन होगा, ओनली वन लाइन, ठीक है। जैसे आपको जो वो लाइन सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे मान लो ए कोई ऐसे फिगर बनाई मैंने, ठीक है, ऐसे जो वो कुछ ए जो वो यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने एम, और यहाँ पे ले लिया मैंने एन पॉइंट, और यहाँ जैसे ले लिया मैंने पी पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने क्यू पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास एक फिगर है जिसमें बोला है कि लाइन सेगमेंट बताओ, लाइन सेगमेंट बताओ। तो एक तो लाइन सेगमेंट देखिए एम से एन तक है, एक लाइन सेगमेंट देखिए एम से क्यू तक है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पी से क्यू एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, क्यू से एम जो वो एक लाइन सेगमेंट है, M से N जो वो एक लाइन सेगमेंट है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट का भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपको पूछा है कि एंगल कैसे बताना है, ठीक है, एंगल जैसे मान लो यहाँ पे M पर जो वो एक एंगल बन रहा है, ठीक है, दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट हो रही है तो वहाँ पे एंगल बन रहा है। तो एक A लाइन थी यहाँ पे, एक A लाइन थी, तो दोनों लाइनें यहाँ पे M पर मिली है, तो इसको जो वो कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे एंगल M, ठीक है, M पर बना है तो एंगल M, शॉर्ट में जो वो एंगल M लिख सकते हैं जब एक ही एंगल हो, ठीक है, M पर एक ही एंगल बनाओ तो। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे एंगल बने हैं M पर, जैसे मान लो एक और लाइन है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट में जो वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल M पर जो वो यहाँ पे दो एंगल बने हुए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ से लीजिए एंगल क्यू एम, और इस एन को जो वो मैंने यहाँ पे ऐसे क्यू एम एन, देखिए M को बिल्कुल बीचों बीच रखना है, तो A जो वो हमारा A वाला एंगल बन गया। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता तो A हो जाता Q M, और यहाँ पे पॉइंट होता जैसे X, तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रे क्या होती है, रे का जो वो एक फिक्स पॉइंट होता है और ऐसे आगे को चलती जाती है, मतलब इसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो लाइन क्या होती है, लाइन के तो दो लाइन तो दोनों तरफ जा सकती है, तो इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, एंगल के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, वो आपने सब कुछ पढ़ना है। जैसे मान लो आपको जो वो कुछ इस तरह से जो वो फिगर आ गई, ठीक है, और आपको बोला कि यहाँ पे जो वो एक्स पॉइंट है, यहाँ पे वाई पॉइंट है, यहाँ पे जो वो एन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो आपने बताना है नेम द एंगल इन द गिवन फिगर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो वो एक एंगल है, ठीक है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन कित एंगल जो वो कौन कौन से हैं। तो एक तो एंगल जो वो देखिए एक्स पर बना है, तो एंगल एक्स नहीं लिखना है, आप एंगल एक्स भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन नहीं लिखना है, आपने जो पूरा बताना है। तो आपने बताना एंगल एन एक्स वाई, ठीक है, एन एक्स वाई, ये मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता तो ए हो जाता एंगल एक्स एन, सॉरी यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो ये जो एक्स है, हाँ ठीक है, ठीक है, एंगल एंगल एन एक्स वाई हो जाएगा, ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब मैं इसकी बात करूंगा, इसकी इस वाले की एंगल की बात करूंगा जो कि एन पर बना हुआ, तो इसको मैं बोलूंगा एंगल एक्स एन वाई, एक्स एन
वाई, जब मैं इसकी बात की तो एन को बिल्कुल बीचों बीच रखा, बाकी एक्स एन वाई, ठीक है ऐसे। जब मैं वाई की बात करूंगा तो एंगल एक्स, यहाँ पे इस एंगल की बात करूंगा तो एंगल एक्स वाई एन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे जो वो इसको बताना है, ठीक है। आपको ऐसे जो वो क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो क्लॉक वाले क्वेश्चन थे, जैसे क्लॉक, तो मैं यहाँ पे एक क्लॉक बनाता हूँ, जैसे बीच में इसका सेंटर है, सर्कल ही है, क्लॉक जो सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो सेंटर है, ठीक है, आपको पता है कि आबर वाली हैंड है यहाँ पे, ठीक है। आबर वाली हैंड जब वो यहाँ से यहाँ पे थ्री पर पहुंची, तो आपको पता है कि कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है। जब आबर वाली हैंड जब वो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, तो कौन सा एंगल बना, स्ट्रेट एंगल बन गया। जब आबर वाली हैंड जब वो यहाँ पे पहुंच गई, मतलब कि इसने कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, आपको ऐसे पूछ सकता है। 90 डिग्री कितने कंप्लीट किए, देखिए 190 डिग्री, एक और 90 डिग्री, मतलब कि उसने वो 270 कंप्लीट किया। तो ये हो गया मेजर एंगल, ठीक है। माइनर एंगल, माइनर एंगल कितना बचा, माइनर एंगल 90 डिग्री बचा, ठीक है। टोटल जो वो 360 का होता है वो एक रेवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे एंगल तो आप काउंट कर लोगे, एंगल तो बड़ा इजी है। जैसे मैं यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंचा 90, यहाँ पे पहुंच गया 180 डिग्री, यहाँ पे पहुंचा 270 डिग्री। तो ऐसे आपने जो वो एंगल पता कर लेना है, एंगल तो पता लग जाएगा 90 90 प्लस करके। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि रेवोल्यूशन बताइए अब, ठीक है, तो यहाँ पे है 12 पर आवर वाली हैंड, 12 से चली वो यहाँ पर, ठीक है, थ्री पर, तो आपको पता है कि 90 डिग्री कंप्लीट किया उसने। अगर पूछे रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन देखिए एक पूरा रेवोल्यूशन जो वो 360 डिग्री का होता है, 360 में से 90 जो वो कितना है, 1/4 है, मतलब कि ये फोर्थ पार्ट है। टोटल जो वो इसके फोर पार्ट है, फोर में से एक पार्ट जो वो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है 1/4 रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया, 1/4 रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया। तो ऐसे जो वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बोलूँ 180, तो इसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ चलूँ आगे, तो इसने जो वो 1/3, 1/3 का मतलब है 1 में से 3 पार्ट इसने कवर कर लिए, ठीक है, 1/3, ठीक है। तो जब 270 ए जो वो डिग्री का एंगल बनाएगा, जब पूरा कर लिया, तो 1 रेवोल्यूशन बोला जाएगा। तो ऐसे रेवोल्यूशन और एंगल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बन गया, जैसे मान लो यहाँ पर है आवर वाली हैंड जो वो 6 पर है, आवर वाली हैंड जो वो 6 पर है, तो आपको बोला जाए कि यहाँ से चलना है आपने 1/3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है, ठीक है। 6 पर है, क्लॉकवाइज ही चलना है। अब क्लॉक है तो क्लॉकवाइज ही चलेगी, लेकिन आपको जो वो ध्यान से देखना है, वहाँ पे क्लॉकवाइज लिखा है या एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो आप जब उल्टा चलेंगे, फिर 6 5 4 ऐसे चलेंगे। अगर क्लॉकवाइज लिखा है तो आप जो वो सीधे ऐसे चलेंगे जैसे क्लॉक चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जो वो आपको क्लॉकवाइज बोला है, मान लो क्लॉकवाइज बोला है, आपको बोला कि 1/3 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके बताइए कि कितने बजेंगे। तो 6 पर है, यहाँ पर जब 9 पर पहुंचेगी तो 1/4 कंप्लीट होगा, 9 से 12 पर पहुंचेगी तो हाफ कंप्लीट हो जाएगा इसका, ठीक है, पूरे रेवोल्यूशन का हाफ कंप्लीट हो जाएगा। जब भाई यहाँ पे पहुंचेगी 3 पर, ठीक है, तब उसका जो वो 1/3 कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 6 से वो चली क्लॉकवाइज, तो 3 पर पहुंची, तो आपका आंसर होगा 3, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1/3 पूछा जाए, हाफ रेवोल्यूशन पूछा जाए कि कहाँ पे पहुंचेगी, क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, वो देखना है आपने, ठीक है, 6 से चला या 7 से, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया, जैसे कि इंटीजर वाला है, इंटीजर को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, वो नंबर लाइन हो चाहे वो ऐसे ही हो बिना नंबर लाइन के, तो वो जो वो कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि 18 + 2, तो 18 + 2 तो आपको पता है क्या होता है, 20 होता है, तो ऐसे तो ये तो सिंपल है। लेकिन आपको 18 + फिर -2 आ गया, कुछ इस तरह से आ गया, तो आपने क्या करना है, 18 आपको पता है प्लस और माइनस दोनों इकट्ठे आ गए, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 18 - 2 हो गया कितना, 16 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपने जो वो क्वेश्चन करने हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। जैसे मान लो 17 + आ गया -2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने -3, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर है हमारे पास, तो पहले तो ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस की जगह माइनस आएगा, आपको पता है प्लस माइनस मैंने माइनस बताया था, ठीक है, प्लस 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 ही होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 2 और -3। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक प्लस का हो, 2 माइनस के हो, ऐसे प्लस माइनस में जो वो इंटीजर आ जाए, बहुत सारे इंटीजर हो, तो आप क्या करिए, प्लस वाले को प्लस करिए, पहले प्लस वाला तो एक किया तो 17 लिखा मैंने, माइनस वालों को भी प्लस करके देखिए कितने हैं, माइनस वाले कितने हैं, तो 2 और 3 5 हो गए, तो माइनस के भी 5 है, माइनस के 5 है, 17 में से 5 माइनस हुआ कितना बचेगा, तो यहाँ पे जो वो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपने जो वो सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस जो वो इनकी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हाँ सर्कल के बारे में, तो सर्कल है मेरे पास ऐसे, सर्कल में आपको बताया कि बीच में सेंटर होता है सी या ओ से, इसको डिनोट किया जा सकता है। सी से यहाँ पर जो वो यहाँ तक बाउंड्री तक जो वो रेडियस होगा, रेडियस सभी जगह बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता नहीं, बराबर ही होगा, ठीक है। रेडियस जो वो हर जगह, जैसे आप किसी भी बाउंड्री पर बना दो, ऐसे रेडियस कितने सारे बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो,
इन्फिनाइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वो बाउंड्री तक ये जो बिल्कुल सेम हो, जैसे मान लो एक रेडियस 5 है तो सभी 5 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो वो एक कर्व बनाया हुआ है हमने कंपास से, ठीक है, हाथ से नहीं बनेगा, कंपास से ही बनेगा, तभी जो बिल्कुल इक्वल होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे जो वो डायमीटर क्या होता है, ये तो रेडियस मैंने होता है, जब रेडियस को ऐसे पूरी लाइन बना दी जाए ऐसे बाउंड्री टू बाउंड्री, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। जब बिल्कुल सेंटर से होता हुआ जाए, जैसे रेडियस यहाँ पर भी रेडियस हो गया क्योंकि सेंटर से तो बाउंड्री तक बिल्कुल सेम होगा, तो रेडियस रेडियस कितना हो गया, रेडियस प्लस रेडियस टू रेडियस हो गया, मतलब कि जब डायमीटर निकालेंगे तो ए होगा 2r के बराबर, मतलब कि 2 को जो वो रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे जब आर है मेरे पास 5, तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर 2r होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास वो डायमीटर दिया है, मेरे पास डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का जो हाफ है, जैसे डायमीटर जो वो 18 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 9, तो 9 इसका जो वो रेडियस हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपको बताना चाहिए। एक और बात, जैसे कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे ए बाउंड्री टू बाउंड्री जो वो, जैसे कोई भी लाइन लगाई जाए और उसके बाहर बाहर नहीं निकालनी आपने, ठीक है, बाउंड्री टू बाउंड्री, तो इसको बोला जाएगा कॉर्ड। जैसे मान लो पी से क्यू तक जो वो एक कॉर्ड है, तो यहाँ पर ए जो वो एम से एन तक ए भी एक कॉर्ड है, जैसे यहाँ पे एक्स से वाई तक ए भी एक कॉर्ड है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो कौन सा है, सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो होगा जो बिल्कुल सेंटर से होता हो जाएगा, तो सेंटर से होता हुआ तो डायमीटर जाता है, तो इसका मतलब है कि कॉर्ड जो वो सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो एक डायमीटर होता है, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल आल्सो डायमीटर, मतलब कि क्या सभी कॉर्ड जो वो डायमीटर होते हैं, नहीं, सभी कॉर्ड जो वो डायमीटर नहीं होते। क्या आपको पूछा जाता है कि क्या सभी डायमीटर जो वो कॉर्ड होते हैं, यस, डायमीटर जो वो कॉर्ड होते हैं, क्योंकि डायमीटर जो वो बिल्कुल सेंटर से होता हो जाएगा वो तो कॉर्ड ही होगा, ठीक है, कॉर्ड हो सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि दो डायमीटर, जैसे एक कॉर्ड यहाँ पे है, एक कॉर्ड यहाँ पे है, तो ये तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, हर एक जो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन बन गया कि जैसे मान लो एक ए कॉर्ड है, एक एक कॉर्ड है, मतलब कि वो डायमीटर ही बनाए उन्हें, ठीक है, कॉर्ड सबसे बड़े कॉर्ड, तो दो डायमीटर जो वो आपस में जो वो इंटरसेक्ट करेंगे, यस, दो डायमीटर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो सेंटर से होते हो जाएंगे, सेंटर तो एक ही पॉइंट है, तो एक पॉइंट से होते हुए जाएंगे तो आपस में जरूर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसे जो वो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी मैंने इस वीडियो में जो वो आपको यहाँ पे हमने जो भी डिस्कस किया इसकी जो वो आपने प्रैक्टिस करनी है, हर एक क्वेश्चन, मतलब कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उससे रिलेटेड जो वो करने की कोशिश कीजिए, जो भी आपका सिलेबस है उस सभी सिलेबस को पढ़िए, कुछ भी जो वो उसमें से आ सकता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।